ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक के माध्यम से घर घर जाकर फेरी लगाकर व्यापार करने वाले दो युवकों के साथ मनावर क्षेत्र में लूट की बड़ी वारदात की गई। दोनों युवक बड़वानी क्षेत्र के निवासी होकर बाइक से गांव में जाकर साड़ी एवं अन्य सामान बेचने का कार्य करते थे। घटना 5 फरवरी शनिवार रात्रि के समय सिंगाना चौकी अंतर्गत ग्राम पालसी फांटे पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जहाँ से फरियादी व्यापार करने के बाद पुनः बड़वानी की ओर जा रहे थे। तभी बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों में एक बदमाश की पहचान भी हो चुकी है, क्योंकि व्यापारी ने कुछ देर पहले ही उसे सामान बेचा था। घटना की सूचना के बाद पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी। फरियादी के अनुसार आरोपियों द्वारा साड़ी सामान से भरा हुआ बैग छीनकर भाग गए। पीड़ित राहुल पिता अनंत प्रसाद ने रिपोर्ट में बताया कि बड़वानी से शनिवार दोपहर मनावर पहुंचे थे। इसके बाद ग्राम खंडलाई में कुछ लोगों को सामान बेचा व शाम के समय साड़ियां बेचकर घर की ओर बड़वानी जा रहे थे। तभी दो बाइकों पर 4 बदमाश आए तथा राहुल व उसके साथ चंदन कुमार को रोक लिया। वह बदमाशों ने साड़ी से भरा हुआ बैग, बाइक व नकदी रुपए लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने राहुल व चंदन के साथ मारपीट भी की। घटना में शामिल बदमाशों में राहुल ने एक लुटेरे की पहचान अनिल नाम के युवक के रूप में की है, जिसे शनिवार को ही चंदन द्वारा सामान बेचा था। बदमाशों ने फरियादी से मारपीट के दौरान मोबाइल के माध्यम से फोन पे द्वारा से भी अपने खाते में 10,000 रुपए ट्रांजेक्शन करवा लिया था। पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज। लुटेरों द्वारा मारपीट करने व राहुल व उसके साथी चंदन खेत में जाकर छुप गए थे। इसके बाद राहुल ने अपने साथियों को बड़वानी फोन कर घटना की सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची व राहुल की रिपोर्ट पर लुटेरे अनिल व बाइक नंबर के आधार पर बदमाशों के खिलाफ रात्रि में करीब 11 बजे पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। बदमाशों द्वारा 80,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मामले को लेकर सिंगाना चौकी प्रभारी नारायण कटारे ने कहा कि आरोपियों की धरपकड़ जारी है, शीघ्र ही सभी पुलिस की पकड़ में होंगे। भारतीय न्यूज के लिए मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। Subscribe now to most exciting channel ever.